Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 1 exercise 1.2 question number 1. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें उसी तरीके के इनके फैक्टर्स निकालने हैं, राइट। तो 140 के फैक्टर्स निकालते हैं, हमेशा डिवीजन हम किससे करेंगे, यहाँ पर प्राइम नंबर से। तो 140 क्योंकि 2 से डिविजिबल है, लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। यस, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये आ गया 2 से डिवाइड होकर 70। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 2 से डिवाइड होकर 35। ठीक है, और 35 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता। अब ये जो डिवाइड होगा ये होगा 5 से। ठीक है, 5 7 जा 35 और 7 ऑल्सो आ प्राइम नंबर, तो 7 से ये आ गया 1। इस तरीके से हमारे 140 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 × 2 × 5 × 7, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में 156 है। ठीक है, 156 भी 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जो जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो सब 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78 आ गया। अब ये फिर से 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3 9 39, और 39 डिवाइड होता है 3 से। 3 से डिवाइड करके ये आ गया हमारे पास 13, और 13 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। मतलब तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक कि हमारा यहाँ पर 1 नहीं आ जाता, राइट। तो 156 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2 × 2 × 3 × 13, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये हमारा 156 का आंसर आ गया। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3825। ठीक है, अब देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर आ रहा है 5। ये सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, क्योंकि जब यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है तो उसको हम 5 से इजीली डिवाइड कर देते हैं। तो 3825 जब 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35, और यहाँ बचेंगे 3 32, देन 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा तो इसको 5 से फिर से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, देन 26, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब आ गया हमारे पास 153, और 153 3 से डिवाइड होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले 3 से डिवाइड करो, अगर तुम्हारे यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 5 है तो तुम इजीली 5 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5 1 51, और 51 फिर 3 से डिवाइड होता है तो ये आ गया हमारा 17, और 17 किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देयरफोर 3825 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, और इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 17, राइट। फोर्थ पार्ट के लिए 5005, और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो ध्यान से करना है आपने 5005 को। देखो यूनिट प्लेस पर है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। अब तुम्हें पता है 5 1 जा 5 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है ना, 5 से 0 डिवाइड नहीं हो तो ना जीरो के 0, फिर एक और 0 है तो भाई ना जाने की 0 एक और आ जाएगी, और फिर 5 से 5 जो है वो 1 टाइम डिवाइड होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 101 लिख देते हैं, तो ये ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आगे हमारे पास 1001। अब ये किससे डिवाइड होगा, ये एक्चुअली 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। देखो ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो तुमने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना है, मतलब कि
डिवाइड कर करके देख लेना है कि भाई ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो सेवन वन जा होता है सेवन सेवन, और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो 1001 को 7 से सिंपली डिवाइड कर लो, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या आएगा। जब ये 3 बचा है यहाँ पर, 7 4 जा 28 होते हैं, ठीक है, और यहाँ बचा फिर से 2 और ये आ गया 1, 7 3 जा 21। इससे तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आगे हमारा 1437 से डिवाइड कर, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब ये होगा देखो 11 से, ठीक है। 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 13 और ये आ गया 13 से 1, ठीक है। तो 5005 दैट इज इक्वल टू आ गया 5 × 7 × 11 × 13। बहुत ध्यान से करना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट करते हैं, 7429, ठीक है। जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब ये ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, तो मतलब ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होता है और कुछ नहीं होता है। पहले जाएगा 17 से, ठीक है। अब तुम्हें डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा कि भाई कितनी बार जाएगा, ठीक है ना, तो तुमने क्या करना है, इसको इसको करना है तुमने 7429 को डिवाइड करोगे 17 से, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 7 जा होते हैं 28, 8 2 7 6 68 आ गया, 17 4 जा 68 होते हैं, ठीक है। माइनस किया तो ये आ गया 6 और यहाँ से ये आ गया 2 यहाँ पर। अब ये 3 टाइम्स जाएगा, 17 × 3 होते हैं 51, माइनस किया तो ये आ गया हमारा 11, देन ये आ गया 9 और ये हमारा जाएगा 7 टाइम, 7 7 जाए 49, 9 4 और ये 119 पूरा पूरा चला जाएगा, 0 आ गया ये। तो इस तरीके से हमारा 437 आ गया। अब ये जाएगा 19 से, ठीक है। तो ये देखो हिट एंड ट्रायल होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से हम लोग करते हैं इसको, 19 से जब हम इसको करेंगे तो 19 2 जा होते हैं हमारे 38, माइनस किया तो ये आ गया 5 7 और 3 से 19 3 जा होते हैं 57, तो ये हो गया हमारा 0, तो ये हो गया 23 टाइम्स, ठीक है। और 23 तो 1 बार आ गया, तो इस तरीके से हमारे 7429 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 17, 19 and 23, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। चलिए थोड़ा सा होमवर्क भी दे देते हैं। होमवर्क के लिए आपने प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं बनाने हैं 1001 के पहला, ये हमारा होमवर्क है, पहला पार्ट 1001 के आपने करने हैं। सेकंड पार्ट है 2366, इनके आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और प्राइम फैक्टर्स बना के आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।